तीन खिलाड़ी जिन्हें मिल गई एशिया कप टीम में जगह, लेकिन वर्ल्ड कप 2023 से हो जाएंगे बाहर। 21 अगस्त को एशिया कप 2023 के लिए टीम इंडिया का ऐलान हो गया। टीम जब ऐलान हो रहा था तब अजीत अगरकर के साथ भारतीय कप्तान रोहित शर्मा भी थे। भारत के स्क्वाड में तिलक वर्मा एक नया चेहरा है, साथ ही प्रसिद्ध कृष्णा की वनडे टीम में वापसी हुई है। वहीं श्रेयस अय्यर को लेकर भी गुड न्यूज है कि वो फिट हो चुके हैं। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान अगरकर ने इशारों में ये बता दिया कि जो टीम एशिया कप के लिए चुनी गई है लगभग वैसी ही टीम वर्ल्ड कप में भी खेलेगी। हालांकि हमारे विचार से ये तीन ऐसे खिलाड़ी हैं जो एशिया कप में टीम इंडिया का तो हिस्सा है, लेकिन वर्ल्ड कप के टीम इंडिया का हिस्सा नहीं बन पाएंगे। आइए जानते हैं कौन है वो तीन खिलाड़ी। इस लिस्ट में पहला नाम संजू सैमसन का है, जिन्हें एशिया कप की टीम में तो जगह मिल गई है, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलेगी। इसके पीछे की वजह यह है कि संजू को एशिया कप की टीम में बतौर बैकअप रखा गया है। संजू को केएल राहुल के बैकअप के तौर पर चुना गया है। इसके साथ ही स्क्वाड में ईशान किशन पहले से ही बतौर विकेट कीपर है, तो संजू को शायद ही खेलने का मौका मिले। ऐसे में इस टीम को देखकर ये साफ हो चुका है कि संजू को वर्ल्ड कप की टीम में मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि संजू भारत के लिए अब तक 13 वनडे और 24 टी20 मुकाबले खेले हैं और इस दौरान उन्होंने 390 और 374 रन बनाए हैं। इस लिस्ट में दूसरा नाम सूर्य कुमार यादव का है, जिन्होंने एशिया कप की टीम में तो जगह मिल गई है, लेकिन उन्हें वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलेगी। इसके पीछे की वजह है वनडे में सूर्या का खराब फॉर्म। सूर्या जहां टी20 में धमाल मचाते हैं, वहीं वनडे में इस बल्लेबाज को सांप सूंघ जाता है। सूर्या वेस्टइंडीज दौरे पर फेल रहे थे, इसके बावजूद भी उन्हें एशिया कप की टीम में भी शामिल किया गया है। टी20 में जहां सूर्या 170 के स्ट्राइक रेट से बल्लेबाजी करते हैं, वहीं वनडे में उनका स्ट्राइक रेट मात्र 101 का है। ऐसे में एशिया कप उनके लिए आखिरी मौका है कि वो खुद को साबित करें, नहीं तो वर्ल्ड कप में उन्हें मौका नहीं मिलेगा। बता दें कि सूर्या भारत के लिए अब तक एक टेस्ट, 26 वनडे और 53 टी20 मुकाबले खेल चुके हैं। क्रिकेट के सबसे छोटे फॉर्मेट में ये खिलाड़ी 3 शतक भी लगा चुका है। इस लिस्ट में तीसरा नाम केएल राहुल का है, जिन्होंने एशिया कप की टीम में तो जगह मिल गई है, लेकिन वनडे वर्ल्ड कप की टीम में जगह नहीं मिलेगी। केएल राहुल को वर्ल्ड कप से बाहर करने की सबसे बड़ी वजह है उनकी फिटनेस। एशिया कप के लिए जब टीम की घोषणा हुई तब अजीत अगरकर ने साफ कर दिया है कि राहुल अभी भी चोटिल है और वो एशिया कप में लगातार 2 से 3 मुकाबले नहीं खेलेंगे। अब ऐसे में सवाल ये है कि जब वो चोटिल ही है तो उन्हें क्यों इस टूर्नामेंट में शामिल किया गया। ये फैसला रिस्क वाला भी हो सकता है, कहीं राहुल इस टूर्नामेंट में खेले और फिर चोटिल हो जाए। इसके साथ ही उनका फॉर्म भी कुछ खास नहीं है। इस साल राहुल ने भारत के लिए कुल 8 मुकाबले खेले हैं और 264 रन बनाए। ये वजह उन्हें वर्ल्ड कप से बाहर करने के लिए काफ़ी है।